परवीन शाकर कॉम्प्लेक्स में गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की जानिब से गर्ल गाइड के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें तालबात की बड़ी तादाद समेत साबिक एमएनए खालिदा मंसूर, डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स गाइड मिस आमना, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस आसमा इजाज चीमा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अयूब रिसर्च साइरा खानम ने शिरकत की। तालबात की जानिब से पाक चाइना दोस्ती, ब्रेस्ट कैंसर, डेंगू के हवाले से आगाही दी गई। सकाफती रंग उजागर करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी सजाए गए। सिविल डिफेंस के इश्तराक से धमाके और एमरजेंसी सूरत हाल से निबटने के लिए अमली मश्क भी की गई, जिसमें तालबात ने भरपूर अंदाज से अमली मुजाहरा करते हुए इब्तदाई तिबी इमदाद दी। नन्नी तालबात की जानब से शुरका को खुश आमदीद कहने के लिए शानदार परफॉर्मेंस पेश की गई। तालबात ने पाकिस्तानी कल्चर को उजागर करने के लिए सिंधी, पश्तो, बलोची, पंजाबी और गिलगत बल्तिस्तान के रंगों में सकाफती रक्स भी पेश किए, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तालबात से बात करते हुए कमिश्नर पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन खालिदा मंसूर का कहना था कि हमारे नबी ने औरत को वो मुकाम दिया कि जन्नत माँ के कदमों तले कर दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी, जिन्होंने औरत को वो मुकाम दिया जिसके शायद हम उस वक्त लायक नहीं थे। तीन बेटियों के बाप को जन्नत की बशारत, माँ के पाँव तले जन्नत की बशारत। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आसमा इजाज चीमा का कहना था कि मैं मुंतजमीन की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ऐसी तकरीब का इनेकाद किया। खवातीन की जो अहमियत इस्लाम ने हमें पेश की वो किसी दूसरे मज़हब में नहीं। सबसे मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ जो हमें मिलता है डेफिनेटली मुस्लिम और अदर लाइफ वो हमें इस्लाम से मिलता है। तकरीब के मौका पर तालबात को तलीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन की गई। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ महबूब अली, ब्राइट स्टार टीवी, फैसलाबाद।